सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे MDR 301 का लेक्चर नंबर 11। तो लेक्चर नंबर 11 के है हमारे पास द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट और बॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 11 है हमारे पास द ट्रिपल स्केलर और बॉस प्रोडक्ट। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग सारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और कुछ समझ में नहीं आए कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम पर मिल सके। तो लेक्चर शुरू करते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोग को दिया हुआ था प्रोडक्ट AB.C स्कॉलर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ABNC। तो फिर इसमें क्या बोला, क्या आप देखें यहाँ पे आपको तीन वेरिएबल दिए हुए हैं XYZ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको देखें यहाँ पे, आपको एग्जांपल देखें, एग्जांपल दी हुई आपको, देखें A:B:C। आप अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ B:C डॉट, तो बात एक ही है। तो इसी तरीके से इसको बोला हुआ है, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेटिव लॉ। ठीक है, तो एक कम्युनिकेटिव लॉ पे एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अब आपको एग्जांपल दी हुई है, देखें A:B:C। पहले जो ऊपर फंक्शन थे वहाँ पे तीनों दिए होते थे, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई करते थे और आंसर लेकर आ जाया करते थे। आप इसमें देखें, इसमें दिया हुआ है A:B:C। अब हमें पता है सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ये मैथ का रूल है। ठीक है, तो अब देखें इन्होंने क्या किया है, अब हमें यहाँ वैल्यू दी हुई है, A की भी दी हुई है। अब हमें करना क्या, हमें पहले मल्टीप्लाई करना है B:C को। तो अब आप ये देखें, हमने IJK लिखा और हमने A नहीं लिखा। अब चाहे तो लिख लें, लेकिन फ़ायदा नहीं हो कि हमें BC को सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, पहले B लिखा, C की वैल्यू लिखी, लिख दी यहाँ पे। अब आप देखें, अब उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था। पहले है, हम क्या करेंगे, पहले I को सॉल्व करेंगे। जब I को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, ये कट जाता है। तो अब आप ये देखें, जब I को सॉल्व किया तो देखिए वैल्यू कट गई, तो यहाँ पर क्या आया, B:B:C:C:3 आ गया। इसी तरीके से अगर आप देखें, अब हमें बी की वैल्यू सॉल्व करें तो क्या होगा, जे की वैल्यू, तो B:B:C:1:C:3। ठीक है, ये आ गया। इसी तरीके से ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें उन्होंने किया गया है, अब ये वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास बी और सी का जो आंसर आएगा उसको हम करेंगे ए से मल्टीप्लाई। ए का वेक्टर नहीं लेंगे हम, सिर्फ क्या करेंगे, ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखें, ये वेक्टर आ गया हमारे पास, तो ए की वैल्यू की हमारे पास ये देखें A:A:2:A:3। तो देखें इसके शुरू में लिखा हुआ है A:A:2:A:3, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आ गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। सिर्फ एग्जांपल ये दी गई है, इसको सॉल्व नहीं किया, सिर्फ बताने के लिए एग्जांपल दी गई है ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। एग्जांपल देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब आप ये देखेंगे, यहाँ एग्जांपल दी गई है वही वाली जो ऊपर समझाई थी। तो अब आप ये देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, अब तीन वैक्टर दिए हुए, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नोट करें तो IJK पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, लेकिन I की वैल्यू कोई नहीं दी हुई। जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पर क्या होता है, वन होता है। अब आप बी में आए, बी में देखें I दिया हुआ है, J नहीं दिया हुआ, K दिया हुआ है। अब कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो हम इसको लेट कर लेंगे, जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, J नहीं, तो J को हमें लेट कर लिया, जीरो। इसी तरीके से आप आगे आए, सी की वैल्यू देखें, तो सी में क्या है, आई नहीं है, तो आई को हमने क्या लेट कर लिया, जीरो। ठीक है, तो आप इसमें मालूम करना है, फाइंड A:B:C, फाइंड A:B:C। तो हमने क्या किया, हमने ये क्वेश्चन लिखा और उसका वेक्टर बना लिया IJK के फॉर्म में। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर IJK लिखे या नहीं लिखे वो आपकी मर्जी, अब आपको तो याद हो गया होगा। तो तीनों वेक्टर लिखे थे, तो तीनों वेक्टर हमने लिख दिया। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमारा आई से कोई लिंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब आप वही करेंगे, हम ऊपर लगाएँ, देखें ये आई है, ये आई है, ये जे है, ये के है। ठीक है, अब हमें बी और सी से मल्टीप्लाई करना है। देखें पहले आई को मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखें आई की वैल्यू लिखें 0, 4, 3, 7, देखिए ये वैल्यू आ गई। अब हमें करना है जे से करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ये वैल्यू आएगी 2, 3, 0, 4, देखिए 2, 3, 0, 4 आ रही है। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब आप देखें K में क्या होता है, K में ये होता है। ठीक है, 2, 0, 0, 7 आ गई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखें जब आप ब्रैकेट को लोग आप सॉल्व कर लेंगे, 4, 0 तो क्या होता है, 0, 7, 3 क्या होता है, 21, ये वैल्यू आ गई। इसी तरीके से ये वैल्यू आ गई, तो आप ये देखें आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब आप देखें एक का हम वेक्टर नहीं करेंगे, एक को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। एक की जगह क्या हमारे पास, एक जगह 1 है। ठीक है, और आई की जगह क्या, आई की जगह 1 है, जे की जगह 2 है, के की जगह क्या है, -1। अब हमें देखें पुट किया हुआ यहाँ पर, ए की जगह 1, बी की जगह -2। ठीक है, यहाँ होता है माइनस का साइन, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। अब देखें के में क्या दिया हुआ आपको, माइनस, तो हमें पता है यहाँ पर क्या होता है, प्लस का साइन, क्योंकि हमें माइनस दिया हुआ, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखें तो ये वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास आंसर आई बी और सी का, उसको हमने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये देखें बी और सी का आंसर हमारे पास ये आया, तो हमने क्या किया, इसको ए से कर दिया मल्टीप्लाई। तो ए की वैल्यू क्या थी, 1, 2 और -1, तो इसको हमने लिखा अंदर, इसको सॉल्व कर दिया सिंपल। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। हमने क्या करना है, सिंपल A:B:C आएगा, तो हम क्या करेंगे, बी और सी का
वेक्टर निकाल लेंगे, बी और सी के निकालने के बाद क्या करेंगे हम उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप ये देखें यहाँ पर उन्होंने शुरू में लिख दिया था आसानी के लिए, देखें ए की वाली लिखी, बी की लिखी, सी की लिखी, अब बी और सी को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या आगे है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, आप देख लें आगे क्वेश्चन में आएंगे तो आपको आसान होगा, इसको बोलते हैं डेल। ठीक है, ये डेल का ख्याल होता है, डेल ऑपरेटर बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आप आगे आएंगे तो ये देखें फॉर्मूला देख लें, आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा आगे, तो ये फॉर्मूला आप देख लें सिंपल मैम सी उसमें भी आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो आगे देखें, देखें आगे आपको एग्जाम्पल दी गई, फाइंड द डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई एट पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आपको दिया हुआ है। तो आप ये देखें यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है ये, और यहाँ पे देखें यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दी हुई आप, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब आप सोल्यूशन देखें क्या है इसका, हम देखें गिवन हमें क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप हम क्या करेंगे सिंपल कुछ नहीं करना, हमने हमने लिया पहले एक्स का डेरिवेटिव, फिर हमने इसी क्वेश्चन का जो है वाई से लिया डेरिवेटिव। सही है, एक मरतब एक्स से एक मरतब वाई से डेरिवेटिव आ गया। अब जो डेरिवेटिव हमारा एक्स और वाई क्या है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी किसकी, एक्स और वाई की, एक्स की जगह क्या है वन और वाई की जगह क्या है टू। देखिए हमने पुट कर दिया एक्स की जगह वन, वाई की जगह टू, दोनों में दोनों में पुट किया, तो हमारे पास आंसर क्या है, एक्स का 12 आया, वाई का 3 आ गया। ठीक है, आ गया, अब हमें निकालना क्या, अब हमें निकालना है उसका वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमें पता है फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास ए दिया हुआ है, देखिए ये हमें दिया हुआ है 3i4 लिखा, अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं, तो अंडर रूट लिया तो क्या हो गया, तो अब आप यहाँ पे देखें 3 क्या हो गया 9 हो गया, और 4 तक क्या हो गया 16 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई। तो आप 16 को प्लस करेंगे 9 तो क्या होगा, अंडर रूट 25, तो इस तरीके से अंडर रूट 25 आ गया। ठीक है, अब अंडर 25 आ गया, तो आप देखें वैल्यू आ गया, हम इसको कर दें ब्रेक, यानी ये इसके नीचे भी ये है, इसके नीचे भी ये है, अंडर रूट 25 क्या होता है 5, तो इसके नीचे ब्रेक करके आंसर ले दिया। आप इसको आपने फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, अब आप देखें यहाँ कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है, तो ये देखें fx 1/2, यानी fx 1/2 की क्या है, हमें जो पुट की वैल्यू क्या है 12, यहाँ 12 पुट करेंगे, और y की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ 3 पुट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको छोड़ें सिंपल, यहाँ देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, DUF, और जो मैंने आपको दिखाया था फॉर्मूला, देखें यहाँ लिखा हुआ DUF, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या दी है 1/1 और 2 दी हुए हैं, एक्स और वाई की वैल्यू लिखेंगे, फिर हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किसके आई के, इससे आई से, और प्लस यहाँ वाई की वैल्यू क्या है 3, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके जे से। ठीक है, तो दोनों को लिखा हमने, इसका लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया, 12 3 36 और 4 3 12, ये आ गया। अब हमें पता है नीचे की दोनों बेसिस जो है सेम होंगे, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, तो दोनों सेम होती, दोनों सेम होंगे तो हम इसको एक मरतबा लिख देते हैं। तो ठीक है, ये आ गया आपका 36 + 12 का होता है 48, तो 48/5, तो यहाँ पर देखें आपका 48/5 आंसर इस तरीके से लेके आएंगे लोग। तो ये बहुत आसान है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप देखें इसी तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये पूरा ये एज इट इज़ वैसे ही जैसे ऊपर हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो ये देखें ये भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है फंक्शन ex की वाई फॉर्म में दिया हुआ, ये भी आसान है, आप सॉल्व करें आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ गया है, इसमें लिया हुआ डायरेक्शन डेरिवेटिव, डायरेक्शन डेरिवेटिव भी हमने देख लिया था, इसको बोलते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तो इसमें दिया हुआ है डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है, और वो उसी तरीके से आपको एक वेक्टर दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, वही वैल्यू लिखी, उसका एक्स से डेरिवेटिव लिया, फिर उसका वाई से डेरिवेटिव लिया, और एक्स की एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी 5 5 5 5, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया और वाई आ गया। तो इसी तरीके से हमारे पास एक्स और वाई आ गया, तो हमें यू के लिए क्या दिए हुए हमें, तो हमें ये दी हुई, हमने यहाँ पुट किया उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया, मैग्नीट्यूड निकाल, तो हमारे पास आंसर क्या आया, एक ये आया, ये आया, एक आई जे आया हमारे पास। तो हमने क्या किया, उसी को एक्स या टेन टेन लिखा, और ये आई, ये आई लिखा, और क्या लिखा, प्लस लिख के, अब देखा प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस हो गया यहाँ पे, वाई की वैल्यू लिखी और वाई को कर दिया मल्टीप्लाई, वाई क्या था हमारे पास, ये क्या था हमारे पास, ये मल्टीप्लाई का, तो ये आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल नहीं है, बहुत आसान आप कर लेंगे, इसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ई एक्स के फॉर्म में दिया हुआ, तो आप कह रहे हैं बिल्कुल पैटर्न वही फॉलो करेंगे आप आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन डेरिवेटिव आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है। आगे आए, आगे दिया हुआ है फाइनल डायरेक्शन ऑफ एपिडेंस की, तो ये आपको एक तरीके से ड्राइव करने को दिया हुआ है, तो इतना तो भी है नहीं, एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका लेक्चर नंबर 11 ख़त्म हो गया, तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो आप ये देखें लेक्चर नंबर 11 के प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें दिए हैं, तो ये चार क्वेश्चन दिए हैं, चारों आसान हैं और इसके आंसर दिए हुए हैं, तो ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप फाइल जाके देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह।